दतिया इलाके के नागरिक अस्पताल में शराबी ने शराब के नशे में धुत होकर किया हंगामा। मौके पर पहुंचे पुलिस के साथ की हाथापाई, तोड़ा पुलिस की गाड़ी का शीशा। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, जहां रतिया इलाके के नागरिक अस्पताल में एक शराबी व्यक्ति द्वारा शराब पीकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। शराबी शराब के नशे में इतना अधुत था कि उसने मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारियों के साथ भी बदसुलूकी की और उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। घटना नागरिक अस्पताल के सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस हंगामे के दौरान व्यक्ति ने अपना सिर मारकर पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी शराबी व्यक्ति को इलाज के लिए रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के द्वारा आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। नागरिक अस्पताल रतिया के डॉक्टर भरत सिंह ने बताया कि आरोपी अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आया था। शराब के नशे में उसने अस्पताल के कर्मचारियों के साथ और पुलिस कर्मचारियों के साथ बदसुलूकी की। इस दौरान शराबी ने सिर मारकर पुलिस की गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, जिसके बाद आरोपी शराबी व्यक्ति का इलाज नागरिक अस्पताल में किया जा रहा है। जो अपनी वाइफ को दिखाने शायद आया था अंदर, ड्रिंक वगैरह के कुछ नशे, अंडर इन्फ्लुएंस था ये नशे के, तो उसके बाद इस हमारे पुलिस से यहाँ पे लगा रखी है कोविड को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने इसको बोला भी आप आराम से रहो, बाहर जाने के लिए बोला है इनको, बाहर नहीं गया है। फिर उसने बाद में फिर बाहर इसको रोड तक इसको भिजवाया भी वापस। फिर पेशेंट उनके साथ थोड़ी बहुत करी है पुलिस वालों के साथ, बाद में इसके थोड़ी बहुत चोट आई है, उसकी हमने स्टिच और ट्रीटमेंट कर दिया है। रतिया आइसोलेशन वार्ड के अंदर मुलाजमों की ड्यूटी लगी है, तो वहाँ बिट्टू नाम का एक जो है ना गाँव मैमड़ा का आदमी है, तो शराबी हालत में था और उसने आके मुलाजमों के साथ बदतमीजी की, जिस पर ऐसे तो रतिया ने हमारी पीसीआर भेजी वहाँ पर मौके पर, तो पीसीआर में उसको बिठाया तो उसने पीसीआर के शीशा के सिर मार कर शीशा तोड़ दिया। और अब जो है ना एसपीओ के अप्लीकेशन पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसने भर्ती करवा दिया सर उसके इलाज के लिए। हाँ, उसको जो है ना भर्ती करवा दिया, उसका इलाज करवा रहे हैं, उसके खिलाफ जो है ना जो अभी लीगल एक्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।